तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। पत्नी चूड़ी सिंदूर पहनने से मना करे तो मतलब उसे शादी मंजूर नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक पुरुष को तलाक दिया है, जिसमें यह देखते हुए कि एक हिंदू विवाहित महिला द्वारा रीति रिवाज के अनुसार चूड़ियां सिंदूर पहनने से मना कर दिया गया था। पति द्वारा दायर की गई एक वैवाहिक अपील को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने परिवार अदालत में एक आदेश को अलग कर दिया है, जिसमें इस आधार पर तलाक के लिए उसकी प्रार्थना खारिज कर दी गई कि पत्नी की ओर से कोई पूर्ता नहीं पाई गई थी। उसके खिलाफ उस व्यक्ति ने परिवार अदालत के आदेश को खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। शाखा और सिंदूर पहनने से इनकार, उसे अविवाहित होना या अपीलकर्ता पति के साथ विवाह को स्वीकार करने से इनकार करने का संकेत देता है। प्रतिवादी पत्नी का इस पर स्पष्ट रुख प्रतिवादी के स्पष्ट इशारे को इंगित करता है कि वह अपीलार्थ के साथ अपने सहयोगिक जीवन को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। उच्च न्यायालय ने 19 जून को पारित फैसले में कहा है कि पुरुष और महिलाओं ने 17 फरवरी 2012 को शादी की, लेकिन उन्होंने जल्द ही लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहने की मांग करने लगी। परिणाम स्वरूप दोनों 30 जून 2013 से अलग अलग रह रहे थे। उन्होंने अपने पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्हें कुर्ता के अधीन करने का आरोप बरकरार नहीं था। आपको क्या लगता है, कोर्ट ने फैसला सही दिया कि गलत? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते